अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड सेफ एंड आर एंजॉयिंग योर हॉलीडेज एज वेल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में अपने यूनिट नंबर 2 की रीडिंग जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स एक्सरसाइज ऑन आवर इंग्लिश कोर्स बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेट। तो हम बिल्कुल ऊपर पेज पे आज की डेट लगा लेंगे, 19/3/21, ठीक है। तो आज हम पेज नंबर 18 अपना और पेज नंबर 19 ये वाला पेज दोनों सॉल्व करेंगे। तो दोनों पेज पे आप ऊपर जो है वो डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलें, पहले हम पेज नंबर 18 पे जो हमारी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैच द फॉलोइंग। अब आपने कॉलम नंबर ए को कॉलम नंबर बी से मैच करना है। वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने हमारे पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। ए वाली स्टेटमेंट है हमारी, इन द इवनिंग, शाम के वक्त आपने बताना है कि वो लोग क्या करते थे भला, यहाँ से खाना खाते थे। वेरी गुड। तो यहाँ से ढूंढे कहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ लिटल ओल्ड हाउस, डिडंट कंप्लेन, चीप वुडन बाउल, वॉज मेकिंग अ बाउल, दे सेट डाउन टू डिनर। वेरी गुड, दे सेट डाउन टू डिनर। तो हमने अपनी स्टेटमेंट नंबर ए को किसके साथ मैच कर देना है, दे सेट डाउन टू डिनर। तो यहाँ तो आप स्केल की मदद से कर लें, यहाँ तो आप अगर सही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो हाथ के साथ ही कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है दे बॉट हिम। अब आपने बताना है वो लोग उसके लिए क्या लेकर आए, उससे यहाँ पे कौन है भला, ओल्ड मैन, और वो ओल्ड मैन के लिए क्या लेकर आए थे, एक वुडन बाउल लेकर आए थे। तो यहाँ से ढूंढे कहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ लिटल ओल्ड हाउस, डिडंट कंप्लेन, अ चीप वुडन बाउल। इट्स मीन हमने अपनी स्टेटमेंट नंबर बी को किसके साथ मैच करना है, अ चीप वुडन बाउल के साथ। तो फिर एक लाइन ड्रॉ करें जो कि आपकी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जानी चाहिए, ठीक है। थर्ड है द ऑल लिव, वो सब कहाँ रहते थे भला, उनका घर कैसा था, छोटा सा और पुराना था। तो यहाँ से हम अपनी ऑप्शंस ढूंढेंगे, इन अ लिटल ओल्ड हाउस, तो क्या यही ऑप्शन नहीं है, जी बिल्कुल यही है। तो हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट को ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है द सन अर्नड, जो बेटा था वो उसका जो कारोबार था वो कैसा था, वो कितना कमाता था, अच्छा कमा रहा था ना वो। तो अब ढूंढते हैं इसे रिलेटेड हमारा ऑप्शन कौन सा है, डिडंट कंप्लेन, वॉज मेकिंग अ बाउल, अ गुड लिविंग। वेरी गुड। तो हम अपनी स्टेटमेंट नंबर 4 को किसके साथ मैच करेंगे, अ गुड लिविंग के साथ। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करें और एंड तक लेकर आए, ठीक है। उसके बाद है द ओल्ड मैन। अब आपने बताना है ओल्ड मैन कैसा था, क्या वो उनसे लड़ाई झगड़ा करता था, शिकायतें करता था, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसने तो कभी उनसे शिकायत नहीं की, चाहे उनके उसका बेटा और उसकी बहू जो थे वो जैसे मर्जी उसके साथ बिहेव करें, बट ही डिडंट कंप्लेन। तो द ओल्ड मैन को हम मैच कर देंगे डिडंट कंप्लेन के साथ, ठीक है। और लास्ट है हमारा द लिटिल बॉय वॉज मेकिंग अ बाउल। और लास्ट पे क्या हुआ था कि वो जो छोटा बॉय था वो भी अपने पेरेंट के लिए बाउल बनाना उसने स्टार्ट कर दिया था ना, जी। एक्सरसाइज नंबर ए सबकी हो गई। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको हिंट्स दिए गए, आपने बताना है कि ये कौन सा वर्ड है, ठीक है। अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, ऐसा इंसान जो कि लकड़ी से चीज़ें बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कारपेंटर, क्या बोलते हैं, कारपेंटर। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी ए आर पी ई एन टी ई आर, क्या बन गया ये, कारपेंटर। उसके बाद नेक्स्ट है टू कट वुड और स्टोन इनटू शेप, किसी भी लकड़ी को या पत्थर को शेप देना के लिए हम जब उसकी कटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्व। कार्व भी लिख सकते हैं और कार्विंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ठीक हैं। थर्ड है हमारा द फादर ऑफ वंस मदर और फादर, यानी कि आपके पापा की या आपकी मम्मा के जो फादर हैं वो आपके क्या लगेंगे भला। अच्छा, आप अपने पापा के फादर को क्या बोलते हो, दादाबू बोलते हो ना, तो दादाबू को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्रैंडफादर, जी आर ए एन डी ग्रैंड एफ ए टी एच ई आर, ग्रैंडफादर, ठीक है।
नेक्स्ट है अ रूम वेयर समवन डज अ जॉब, ऐसा कमरा जिसमें कोई इंसान जो है वो काम करता है अपना, लाइक कारपेंट्री। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हुआ था, जहाँ उस रूम को बोलते हैं वर्कशॉप। हमने पढ़ा है ना इस रीडिंग में वर्कशॉप, कि वो जो बॉय था वो उस रूम में जाकर, उस वर्कशॉप में जाकर अपनी सारी कटिंग का काम करता था। ठीक है, लास्ट हमारा द वाइफ ऑफ वन सन, बेटे की बीवी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डॉटर इन लॉ। क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, डी ए यू जी एच टी ई आर, डॉटर इन लॉ। इसमें हम छोटी छोटी डैश भी लगाते हैं। ठीक है, चलें पेज नंबर 18 की हमारे दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम अब पेज नंबर 19 की तरफ मूव होते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है, दैट इज़ अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग। इस पैराग्राफ में जितनी भी वर्ब्स होंगी उनको हमने क्या करना है, अंडरलाइन। तो स्टूडेंट वर्ब का मतलब होता है काम, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी काम को, किसी वर्क को, किसी एक्शन को शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो जो काम हो रहा होगा ना उसको हमने अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, नायला सेट बिसाइड द रोड, नायला जो है वो सड़क के किनारे बैठी होती है। तो यहाँ इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, बैठना, सेट। तो सेट को हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन। शी रेड हर बुक, वो उसने अपनी किताब पढ़ी। तो पढ़ना यहाँ पे क्या हो रहा है, काम। एंड वेटेड द बस, और बस का इंतज़ार किया। तो इस लाइन में काम क्या हो रहा है, बस का इंतज़ार करना, तो वेटेड को अंडरलाइन कर देंगे। अब बॉय केम पास्ट ऑन हिज बाइसिकल, एक लड़का जो था वो अपनी साइकिल पे जो है वो उसके पास आया। तो आने की इंग्लिश क्या होती है, केम, और आना जाना ये भी काम है ना, हमने इसको क्या कर देना, अंडरलाइन। द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल हिट अ स्टोन, जो उसके बाइसिकल के जो पहिए थे उसकी टक्कर किससे हुई, एक पत्थर के साथ। तो यहाँ पे क्या काम क्या हुआ, हिट, ठोकर लगना यहाँ पे क्या है, काम है। वर्ब अंडरलाइन कर दिया। द बाइक फेल ओवर, बाइक जो थी वो गिर गई। तो इस सेंटेंस में काम क्या हुआ है, गिरना, तो फेल को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन। द बॉय वेंट फ्लाइंग थ्रू द एयर, लड़का जो था वो हवा में उछला। ठीक है, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, वेंट फ्लाइंग। ठीक है, उसके बाद है एंड लैंडेड इन फ्रंट ऑफ नायला, और नायला के आगे आगे गिरा। तो यहाँ पे गिरना क्या हो गया, काम, वर्ब, उसको लैंडेड को अंडरलाइन कह दिया। कैच अ बस नेक्स्ट टाइम सेड नायला, नायला ने कहा, कहना काम होता है ना, उसने क्या कहा, अगली दफ़ा बस पे आना, यानी बस को पे आना, तो आना यानी कैच, बस को लेना। तो यहाँ पे कैच क्या होगा, हमारा वर्ब, अंडरलाइन कर दिया। द बॉय स्माइल्ड, लड़का मुस्कुराया। तो यहाँ पे काम क्या हुआ, मुस्कुराया। एंड रब्ड, रब्ड मलना, ये भी काम हो गया। एंड रब्ड हिज नीज, और अपने घुटनों को उसने मला, ठीक है, ताकि जो डस्ट वगैरह लगी है वो उतर जाए। तो स्टूडेंट हमने सारे वर्ब, जो सारे एक्शन वर्ड्स थे उनको क्या कर दिया, अंडरलाइन। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये बॉक्स के अंदर आपको 1 2 3 4 5 वर्ब्स लिखे नज़र आ रही हैं ना, यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड यूज़ ईच वर्ब ओनली वंस। इन वर्ब को आपने करेक्टली जो है वो इन सेंटेंसेस में पुट करना है। मेक श्योर के एक वर्ब जो है वो एक ही दफ़ा सेंटेंस में आए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटेंस है, और यहाँ पे हमारे पास 5 ही वर्ब है, यानी एक वर्ब एक ही ब्लैंक में आएगा। ठीक है, चलें रीड करते हैं। दे डैश फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून, वो हर दोपहर को एक घंटे के लिए डैश करते हैं। क्या करते हैं, खेलते हैं, पीते हैं, देखते हैं, पकड़ते हैं, या आराम करते हैं। तो वो हर दोपहर को एक घंटे के लिए आराम, दोपहर में तो आराम होता है ना, खेल तो शाम को हम खेलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेस्ट, क्योंकि रेस्ट हमने यहाँ लिख लिया है, तो यहाँ पे हम रेस्ट को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, जैसन एंड मैरी डैश विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन नाउ, जैसन और मैरी इस वक्त गार्डन में अपने दोस्तों के साथ डैश रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर प्लेइंग, यानी हमने कौन सा वर्ब यूज़ किया है ऊपर बॉक्स से, प्ले। तो प्ले को हम क्या कर देंगे, टिक। उसके बाद है सारा एंड डैश अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट, सारा ने पिछली रात पूरा ग्लास जो था वो दूध का
डैश दूध को हम क्या करते हैं, दूध पीते हैं ना, और क्योंकि ये काम उसने कर लिया हुआ है, ठीक है, उसने दूध पी लिया है, पास्ट की बात हो रही है, तो ड्रिंक की हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, सेकंड फॉर्म। तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक ड्रैंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे ड्रिंक को हमने क्या कर दिया, टिक। शी डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग, वो हर शाम को टेलीविजन दे डैश, टेलीविज़न यानी टीवी हम क्या करते हैं, वॉच देखते हैं ना, तो वॉच को यहाँ से हमने टिक करना है और यहाँ पे पुट कर देना है, क्योंकि शी गर्ल है, मतलब एक गर्ल की बात करें तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो उसके वर्ब के साथ हम एस या फिर ई एस लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, शी वॉचेस टेलीविजन एवरी इवनिंग। उसके बाद है अमीन डैश अ कोल्ड लास्ट वीक बट इज़ बेटर नाउ, अमीन को पिछले हफ्ते बुखार डैश और अब वो ठीक है, यानी बुखार हो गया था, यानी ये काम हो गया हुआ है, तो कैच की यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी कॉट, सी ए यू जी एच टी कॉट, और यहाँ से हम कैच को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, नीटली अपनी बुक पे इसको सॉल्व करें और याद करें, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।